आज हम ब्रह्मांड के कुछ ऐसे मिथ लेके आए हैं जो आपको नहीं पता। टीवी और मूवीज हमारे लिए ज्ञानवर्धक हो सकती है, लेकिन ये हमें गुमराह भी कर सकती है। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे तथ्य लेकर आए हैं जो हमें बचपन से सिखाए और दिखाए गए हैं, लेकिन ये सब बेबुनियाद है। तो आइए देखें 6 मिथ्स अबाउट स्पेस। मेटेरॉइड्स, जिसे हम टूटा हुआ तारा या उल्का पिंड भी कहते हैं, वो गर्म नहीं होते। बहुत लोग सोचते हैं कि किसी एक मेटेरॉइड को पकड़ना मूर्खता है जो अभी अभी गिरा है। लोग कहते हैं कि वह बहुत गर्म होता है, लेकिन मेटेरॉइड्स अरबों साल से ब्रह्मांड में हैं, जहां बहुत ठंडा होता है, शून्य से कुछ डिग्री ऊपर। तो जब वह धरती पर गिरता है तो वह गुनगुना होता है, लेकिन क्या वे आग की गोली की तरह नहीं गिरते? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जब कोई मेटेरॉइड धरती की तरफ गिरता है तो वह बहुत तेजी से वातावरण में दबाव बनाता हुआ आता है, जिससे घर्षण होता है, जिसके कारण वह आग पकड़ लेता है। इससे टूटते तारे की बाहरी परत गर्म जरूर हो जाती है, लेकिन वह परत थोड़ी ही देर के लिए होती है। जब वह धरती से टकराता है तब उसकी बाहरी परत भी उड़ जाती है। अगर आप वायुमंडल से बाहर जाते हैं तो आपका खून इतना गर्म हो सकता है जिससे कि आप बम की तरह फट सकते हैं। बहुत से मीडिया कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में इंटरनल प्रेशर होता है, तो अगर आप किसी वैक्यूम में जाते हैं जैसे स्पेस, तो इस प्रेशर से आप बम की तरह फट सकते हैं। यह बस एक कल्पना है। अगर आप बिना स्पेस सूट के ब्रह्मांड में जाते हैं तो आप फट कर नहीं मरते। यहाँ तक कि मनुष्य फ्रीज होकर के भी नहीं मरता, क्योंकि स्पेस में कुछ ऐसा नहीं है जो शरीर का तापमान सोख ले, तो आपका शरीर फ्रीज होने में थोड़ा समय ले सकता है। मनुष्य केवल ऑक्सीजन की कमी से दम घुटकर मर सकता है। चांद एक तरफ से हमेशा काला रहता है। चांद एक तरफ से काला होता है क्योंकि वह दिशा धरती से नहीं दिखती। मनुष्य ने वह काली दिशा तभी देखी जब रूसियों ने सैटेलाइट छोड़ी। एस्ट्रॉइड बेल्ट से यात्रा करना जानलेवा हो सकता है। एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में कम से कम 5 लाख एस्ट्रॉइड्स होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे उनके बीच से गुजरना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब नासा ने अंतरिक्ष यान एस्ट्रॉइड बेल्ट में भेजा तो कैलकुलेट करने पर पता चला कि अंतरिक्ष यान की एस्ट्रॉइड से टकराने की संभावना 10 लाख में से एक हो जाती है। हम सब ब्लैक होल में समा जाएंगे। अगर एक रात सूरज अचानक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है तो आपकी आंख सूरज के मुंह में खुलेगी। यह सब कहने की बातें हैं। हम अंत में फ्रीज होकर ही मरेंगे। किसी को नहीं पता कि ब्लैक होल में जाने वाली चीजों का क्या होता है, लेकिन हमको एक चीज पता है कि ब्लैक होल के पास सुपर ग्रेविटी नहीं होती। सूरज पीला है। किसी एक बच्चे से अगर आप सूरज बनाने को कहेंगे तो वह एक पीला गोला बनाएगा। यह हमें बचपन से सिखाया और दिखाया जाता है, लेकिन असल में सूरज पीला नहीं होता। उसका तापमान 6000 केल्विन है, जो कि उसे सफ़ेद बनाता है। और अगर हम सूरज को अपने वायुमंडल से बाहर जाकर देखेंगे तो वह सफ़ेद संगमरमर की तरह दिखाई देता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार छोड़ना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने गजब टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।